प्रेडिटर को यहाँ पर मार के गाड़ दिया गया है, सब कत्ल, भगवान के आगे कोई नहीं टिकेगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शियांग माई। शियांग माई में आके सर्दी हो गई है। कल वाली राइड बहुत ज़्यादा टायरिंग थी, कल मौसम बहुत ज़्यादा फॉगी हो गया था और ठंडा भी हो गया था, उसी का नतीजा नाक में दिख रहा है। तबीयत उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, थोड़ी थोड़ी ख़राब है, मुझे ऐसा लगता है कि जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि सर्दी और ज़्यादा बढ़ ना जाए। खांसी हल्की हल्की जा चुकी है, कल मैंने खाया था ये एंटीबायोटिक, रात को एक खाया था, सुबह एक खाया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा आराम हुआ है। और ये चूसे जा रहा हूँ मैं, ये खांसी की गोली, ये बहुत अच्छा है, इससे राहत मिला। ये पानी में डाल के कुल्ला करना था, ये भी किया, थोड़ा सा राहत है। आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग ट्रेन से गए और बड़ी लंबी जर्नी है, मतलब 12 घंटे की जर्नी है, 24 घंटे की जर्नी है, और जब ट्रेन की जर्नी कंप्लीट हो गया आप घर पे आके सोते हो अपने बेड पे, तो बेड हिलता है, मतलब ऐसा महसूस होता है कि आप ट्रेन पे अभी भी हो। वैसा ही कल रात को मेरे साथ हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि बेड पे मैं बाइक चला रहा हूँ और ऑटोमेटिकली मेरे ऐसे हाथ ब्रेक, उंगली ब्रेक पे दब रहे हैं, राइट टर्न ले रहा हूँ, लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ, तो पूरी बॉडी इतनी ज़्यादा हैबिचुअल हो गई थी कल के राइड से कि मैं बेड पे भी राइड कर रहा था, सपने पे भी राइड ही था, इतना राइड रेड हो गया था। अभी मैंने चॉम को बोला है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो चॉम नीचे मेरा वेट कर रहा है, डॉक्टर को जाके बस दिखा के आते हैं, दवा लेके आते हैं। और भी दिन यहाँ पर मैं हूँ तो इन्जॉय करना है मेरे को, देख रहे हो। एक ऑलरेडी मैंने म्यांमार का नोट ले लिया है, एक ये लूँगा और इस पर भी मैं लिखूँगा। अब मेरा पेट बाहर आ गया, बहुत चीज़ खा लिया मैंने, खाना ढंग का मिल ही नहीं रहा है यार। मुझे लगता है एक ये भी रीज़न है जिसके से बीमार पड़ा हूँ, खाना ढंग का नहीं है। सिम सिम। ये हमारे होटल का लॉबी है, ये हमारी बाइक्स। यस डॉक्टर के पास जा रहे हैं? हाँ नहीं, मतलब हुआ है, खांसी गई है, सर्दी नहीं गई। हम लोग ये वाले टेंपल पर है, हाँ, सुंदर है। प्लान में थोड़ा सा चेंज है, सुनील जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक मंदिर है, वहाँ पर जाके आते, तो वहाँ जाके आएंगे, फिर मैं जाऊँगा क्लिनिक। यहाँ ना गैप इससे घुस जाता है, इसी का है ना। ये क्या चीज़ है? रिक्शा, छोटी चपटी रिक्शा। ये तो बहुत पास में ही था, हमें तो पता ही नहीं है, शॉर्टकट भी है यहाँ से, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। ये मेरे होटल के कमरे से दिखता है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, गोल्डन गोल्डन वाइट एंड येलो, अलग फील है भाई इसका तो। सेक्सी चाल देखें। हाय। आई वाज टेलिंग दैट चेक हिज सेक्सी स्टाइल ऑफ वॉकिंग। उसको बोला था छोटा सा क्लिनिक, ये पूरा बड़े हॉस्पिटल में लेके आ गया मेरे को। ₹460 का खर्चा आया है, इंडियन रुपीस के हिसाब से मेरे ख्याल से 900-950 रुपये। डॉक्टर ने मेडिसिन दिया है, अब ठीक हो जाना चाहिए, यही प्रे कर रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ होटल और वहाँ जाके अपन सो जाएगा मस्त पे की दवा खा के। बिफोर ब्रेकफास्ट तबीयत थोड़ा सा बेटर है कल से, थोड़ी थोड़ी खांसी है, सर्दी जा चुकी है बिल्कुल भी। गुड मॉर्निंग। Good morning. Keep morning, this. Khab. Thank you. Khab. Khab. Good morning, Sunny ji.
कैसे हैं? मैं बिल्कुल सही हूँ। पैकिंग वैकिंग चल रही है, देखो कितने गुस्से में अभी भी है एकदम, लेकिन ये गुस्से में नहीं है एक्चुअली, एड्रेनलिन रश है इसको हाई ऑक्टेन। बाकी आज हम जा रहे हैं ऑलमोस्ट एट द बॉर्डर ऑफ लाओ। कैसी आपकी तबीयत, कैसी है अभी, ठीक है ना? तबीयत तो मतलब मेरे को बहुत रेयरली कुछ ट्रैवल करते हुए प्रॉब्लम होता है, बट यहाँ का जो खाना है ना उससे थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो गई है, ठीक नहीं है एक दिन से बस, दैट्स इट, बट नथिंग टू मच। सभी की एक साथ खराब हो तो एकदम भाईचारा लगता है, आपकी मेरी यू नो, बाकी सब लोग एक बचाए सुनील। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ऑल सेट, ऑल सेट। हम लोग जिस होटल में रुके हैं ना उस होटल में रेस्टोरेंट नहीं है, तो खाने की वहाँ पर तकलीफ। इसके लिए अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर आए हैं अपने होटल से, लगभग 10 मिनट दूर एक कोई जगह है यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पर पार्किंग की बहुत दिक्कत है, सब लोग ऐसे सड़क के ऊपर पार्क करके रखे हैं। ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट, पैनकेक, स्ट्रॉबेरीज, न्यूटेला, डन। एनर्जी है ना काफ़ी लो है आज के दिन, एक तो तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब है उसकी वजह से, और दूसरा यार खाना अच्छा नहीं मिलता है यहाँ पर। खुल जा, खुल जा। हाँ पता नहीं यार, जब से मतलब मम्मी की याद आ रही मेरे को यार, खाना ठीक से मिल नहीं रहा है यहाँ पर, बट मुझे लगता है कि अभी जब राइड चालू होगी ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये अच्छी राइड सारे दुख दर्द भुला देता है। और आज की राइड में ज़्यादा कर्व्स नहीं है, लेकिन अच्छी राइड है, सीधे सीधे रोड है, बड़े रोड है, अच्छे रोड है, और मज़ा आएगा। राइड करते वक्त पानी पीते रहा करो, दो बॉटल भर दी हमने स्टॉक में। जो माइक का प्रॉब्लम है ना सॉल्व नहीं हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम हो रहा था, अब मैंने इसको पूरा का पूरा पैक कर दिया है। हेलमेट की बात करूँ तो हेलमेट काफ़ी बढ़िया है यार, मेरे पास जो हेलमेट है ना वो हेलमेट में क्या होता है कि जब ज़्यादा स्पीड में बाइक चलती है ना आवाज़ें आती है, इस हेलमेट में नहीं है। एक्सॉर, थैंक यू सो मच। आज का हमारा पहला डेस्टिनेशन और जहाँ पर लंच भी करने का प्लान है वो है वाइट टेम्पल, द अल्टीमेट फेमस टेम्पल इन थाईलैंड। ये क्या चीज़ है, ऐसे देख के तो एम्बुलेंस लग रहा था, लेकिन टैक्सी है, शेयरिंग टैक्सी आई गेस। काफ़ी सिस्टमेटिक है यहाँ का लेन का सिस्टम, बट ऐसे डिफ़िकल्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें इतना सिस्टमेटिकली राइड करने की आदत नहीं है ना। जगह जगह पर सिग्नल है, 300-400 मीटर के बाद रुको सिग्नल पर, फिर रुको, फिर 304, फिर रखो। गोली खाने के बाद ऐसी नींद जैसी आ रही है, नींद जैसी है। ये क्या टेंपल यहाँ पर यार, थाईलैंड में ना हर जगह पे छोटे छोटे टेंपल है। हाँ तो मैं कह रहा था कि नींद जैसी आ रही है, नींद नहीं आ रही है, नींद जैसी आ रही है। फिर से सिग्नल, अब पकने लगा यार सिग्नल से। एक ना थाईलैंड को लेकर ना एक इमेज बनी हुई है, थाईलैंड नहीं बोल सकते, बैंकॉक के लेकर जो इमेज बनी हुई है, तो लोगों को लगता है कि बैंकॉक में जैसा है वैसे पूरे थाईलैंड में होगा, लेकिन वैसा नहीं है। यहाँ पर भी नॉर्मल लोग हैं, यहाँ पर भी नॉर्मल कल्चर है, यहाँ पर भी सब अपने जैसा ही है। जस्ट बिकॉज एक सिटी की वजह से हम पूरे थाईलैंड को एक जैसा नहीं समझ सकते। ये बहुत सही जगह है शियांग माई। थोड़ा लंबा लंबा सिग्नल देखते हैं, क्या कर रहे हैं, नींद आ रही है मेरे को बस फटफट हाईवे पे पहुँचे, मज़ा आए चलाने को। हम लोग ये रोड से ऐसे जा रहे थे और लेफ्ट साइड में दिखा हमें ये टेंपल। मैंने कहा वाओ, यहाँ पर रुका जाए और थोड़ा इसको नज़दीक से फील किया जाए। पब्लिक यहाँ पर दिख नहीं रही है, मतलब अबैंडन है शायद ये। इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ओल्ड है और काफ़ी खूबसूरत है। ये जो मैं स्टंट कर रहा हूँ, ये स्टंट आप बिल्कुल भी ना करें, इसके लिए आपको राइडिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप बाइक कंट्रोल अच्छे से कर सकते हैं तो ही कीजिएगा सेफ्टी के साथ। बाकी सब बढ़िया है, तब तक आप ये स्टंट का मज़ा लीजिए।
ये देखें, उन्होंने पेड़ काटा नहीं, पेड़ को जड़ से उखाड़ लिया और इसको कहीं जाके और लगाएंगे, इसलिए इसको जड़ से उखाड़ा गया। गुड जॉब। और अभी हैं वाइट टेंपल के एंट्रेंस के सामने, जहाँ से एंटर करना है वो भी पूरा वाइट है यहाँ पर। इसके अंदर से जाके फिर वाइट टेंपल आएगा, तो फिर आपको वाइट टेंपल दिखाएंगे। उसके बाजू में हमने एक गोल्डन टेंपल देखा था, गोल्डन टेंपल, गोल्ड वाला टेंपल। गोल्डन टेंपल तो फिर वो याद आ जाता अमृतसर वाला। वेरी इम्प्रेसिव, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और हर जगह पर ऐसा क्रिस्टल या फिर जो मिरर होता है ना वो लगाया गया। क्या है क्या ये मिरर है? ऐसे सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ेगी ना तो रिफ्लेक्ट करता है वो। ये सब जगह से करता है क्योंकि सूरज ऐसे पूरा कवर करता है ना। 4 बजे से क्लोजिंग टाइम है, तो अभी ऑलरेडी 4 बज गया, तो सब लोग ऐसे सिटी मार मार के भगा रहे हैं यहाँ से। अरे इतने दूर से आए, कम से कम थोड़ा। वैसे तो थाईलैंड में काफ़ी टेंपल्स हैं, लेकिन ये वाला जो टेंपल है ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। और इसका जो क्राफ्ट है ना, इसको देख के लगता है कि काफ़ी बारीकी वाला काम किया गया है। मैं ऐसा इंटरनेट पर पढ़ रहा था, 1997 में इसको इन्वेंट किया गया। और यहाँ पर ना टेंपल तो है, मतलब ये रिलीजियस फील है इसमें, लेकिन यहाँ पर ना मूवीज़ का, मार्वल्स का, कार्टून का वो भी टच है इसके अंदर। ये देखो, ये देखें, डेडपूल को भी काट कर लटका दिया गया है। थाईलैंड में किसी की नहीं चलती है, कोई सुपर हीरो काम कर नहीं है, बस सबको पहले मार्केट लटका दिया। और ये मेरे पीछे मैं देख रहा हूँ कि गोल्डन टेंपल है, ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। और इसमें ना वॉट, जितने भी मेरे टेंपल देखे ना, एक चीज़ कॉमन है, ये इस पर ना क्रिस्टल जो मिरर है ना ये लगाते हैं, ताकि जिससे ना रिफ्लेक्ट आए। और पता नहीं आज एनर्जी आ नहीं रही है अंदर से ही, बस ये दवा का कोर्स कंप्लीट हो जाए फटाफट, एकदम फुल पहले जैसे हो जाए और एकदम फुल ऑन चालू हो जाए। खुशी है लेकिन बयान नहीं हो पा रही है। प्रेडेटर को यहाँ पर मार के गाड़ दिया गया है, सब कत्ल, भगवान के आगे कोई नहीं टिकेगा। थाईलैंड का आयरन मैन इसको विस्की रखा गया है यहाँ पर पीने के लिए। यहाँ देखें, इनके हाथ में सिगरेट रखा गया है। क्या ये सब क्या है? फ्लेवर अलग है थाईलैंड का। यहाँ का ना अगड़म सगड़म खा के मैं गया था थक, अब मैं खा रहा हूँ फ्रूट, इससे ना स्टमक को थोड़ा सा राहत मिलेगा। कल रात को मैं इंडियन फूड ढूंढ के इंडियन रेस्टोरेंट मिला था, उस इंडियन रेस्टोरेंट में मैंने बिरयानी ऑर्डर किया था, लेकिन उस बिरयानी में भी ना थाई वाला फील था, मतलब प्रॉपर इंडियन खाना अभी तक मिला नहीं है। और घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है मेरे को, अपने देश की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, सिर्फ खानों के मामले में, बाकी लोकेशन वाइज मन नहीं भर रहा है, और भी देखने को मन कर रहा है, सिर्फ खाने के मामले में, खाने पर आकर ना अटक गया सब चीज़। चलिए जी, वाइट टेम्पल की कहानी हुई समाप्त यहाँ पर, अब हम चल पड़े हैं ब्लू टेम्पल की तरफ। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि बाइक के बारे में थोड़ा बताओ, डोमिनर लेना है हमें, थोड़ा अपना रिव्यू दो। तो दोस्तों, मैं रिव्यू वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं आपको शेयर करूँगा, तो आप फिर देख लेना, उसके बेसिस पे अगर आपको बाइंग डिसीजन लेने में हेल्प मिलती होगी तो आई एम वेरी ग्लैड। ऑलराइट, तो ये है हमारे सामने ब्लू टेम्पल, शाम होने से पहले ही पहुँच गए। ब्लू एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन, हमने बिना जाने बहुत फ़ोटो खिंचा लिए, हमारी ऐसी फ़ैन फॉलोइंग है थाईलैंड में। देखें वहाँ पर एक कैमरा चालू है, हेलो, अपन फेमस है थाईलैंड में यार। देखो एक आंटी और आ रही है फ़ोटो खिंचाने के लिए, लेके जाओ इनको घर पे, लेके जाओ वापस, एक बार देख ले फैन फॉलोइंग, देख रहे हो। हर जगह अपनी फैन फॉलोइंग नहीं, इंडिया में हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, इंडिया में एमएस के अंदर यहाँ पर फैन है अपने। well, ये है ब्लू, इसका एक्चुअल, व्हाट इज द एक्चुअल नेम, वॉट रॉन्ग सियातेन, द व्हाइट टेंपल नेम,
व्हाट रॉन्ग खून। वैसे यहाँ पर एक मस्त वाला फोटो लिया गया ब्लू टेंपल के सामने, और जस्ट मैं ये सोच रहा था कि अब ब्लू कलर जब भी आता ना तो एक ही चीज़ याद आती है, टाइगर। और अगर यहाँ पर टाइगर के साथ अगर फोटो लिया होते तो काफ़ी बढ़िया टेम्पल है। और यहाँ पर अंदर घुसने से पहले शूज़ उतारना पड़ता है, और मेरे जो शूज़ है मैं अभी उतारने के मूड में नहीं हूँ। और ये जो बार बार पीछे बज रहा है ना, ये कहना चाहते हैं कि आप अपना शूज़ उतारें फिर अंदर जाएं, बस ये रिपीटेटिव चल रहा है। एक हमारे सब्सक्राइबर है, वो कहते हैं कि मंदिर क्यों दिखाते हो, मस्जिद क्यों नहीं दिखाते हैं, मुस्लिम है मेरे दोस्त। इट इज़ नॉट अबाउट मस्जिद, मंदिर, चर्च, इट इज़ नॉट अबाउट रिलीजन, इट इज़ अबाउट एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। यार एक ज़िंदगी है, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने कंट्रीज़ हैं, इतना सब कुछ है, इतना कल्चर है, इतने लैंग्वेजेस हैं, ये सब मुझे देखना है यार ज़िंदगी में। ज़िंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त, और दुनिया बहुत बड़ी है, ये सब चीज़ें मैं धर्म को बीच में ला नहीं रहा हूँ इसमें, भाई घूमना है फिर नहीं। मेरे को अच्छा लगता है ये चीज़, मेरे को मज़ा आता है इस चीज़ में। अब इस चीज़ में आप लोगों को जो समझना है समझो यार, मैं वो लाइफ नहीं जीना चाहता हूँ। पढ़ाई ख़त्म हुई, फिर जॉब करने के लिए गए, फिर शादी हुई, शादी के बाद हनीमून में कोई इंटरनेशनल ट्रिप चले गए, फिर बच्चे हुए, एक दो इंटरनेशनल, एक दो डोमेस्टिक ट्रिप, उसके बाद फिर ज़िंदगी ख़त्म। ऐसी लाइफ में नहीं चाहता मेरे दोस्त। अपन जो अभी लाइफ जी रहे ना, दिस इज द लाइफ आई वॉन्ट, एक्सप्लोर करना। अपन बोलता है ना लिव योर लाइफ, अपन अपनी लाइफ जी रहा है, अपन बोलता है लिव योर ड्रीम, अपन अपना ड्रीम जी रहा है, समझने को मांगता है। कूल सर, ठंड रख, गवाई भी चैंप हो गया। अभी अपने को फर्क नहीं पड़ रहा है कि लोग क्या सोच रहे हो, लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है। अभी आ गया है, दो चार इंटरनेशनल ट्रिप मारूंगा ना, फुल फील आ जाएगा अपने अंदर। यहाँ पर होती है ब्लू टेंपल की कहानी ख़त्म, समाप्त, एंड। और अभी हम चल पड़े हैं हमारे होटल की तरफ, और होटल हमारा काफ़ी नज़दीक है थाईलैंड लाओस बॉर्डर से, काफ़ी करीब है होटल से। और मैं मैप में देख रहा हूँ कि यहाँ पर लाओस का बॉर्डर है, अगर आप थोड़ा सा मैप में ऐसे देखेंगे तो ये है लाओस का बॉर्डर, आई गेस ये रिवर है, और ये हमारा होटल। और आई जी पहुँच गया होटल, अभी बज रहे हैं लगभग 8:30। और ब्लू टेंपल के बाद से लेकर अभी तक का जो रोड था, मतलब फुल थ्रॉटल। ये जो हमारा होटल है ये बॉर्डर से बहुत करीब है लाओ के, यहाँ से ना थोड़ा दूर बाद थाईलैंड का बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा, मतलब लाओ लग जाएगा। और अभी तक थाईलैंड में जितना भी मैंने राइड किया है, उस राइड में मेरे को अभी तक एक भी स्पीड ब्रेकर्स नहीं मिले, लो बताओ तो। अलग एक्सपीरियंस था, मतलब इतना किलोमीटर गाड़ी चलाया और स्पीड ब्रेकर ही नहीं मिला। हेलो, फोटो आईडी सिंगापुर। ओहो, यहाँ पर एक दूरबीन रखा गया है ताकि वो लाओ को देख सके, वो लाओ है, ये बीच में रिवर है, और ये थाईलैंड। हमेशा से व्लॉग कमरे के अंदर हम एंड करते हैं, आज व्लॉग का एंड किया जाएगा होटल के बाहर। आई होप आपको वीडियो देखने में मज़ा आया होगा, अगर मज़ा आया तो लाइक कर सकते हो। देखो आपने देखा होगा कि हर यूट्यूबर बोलता है कि लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, इससे उसको कुछ पैसे वैसे नहीं मिलते हैं। ये करने से क्या होता है ना कि उसका वीडियो थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है और उसको थोड़ा रीच अच्छा मिल जाता है। सो इसीलिए कहता है कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, मतलब ये करने से आप उस क्रिएटर को सपोर्ट करते हो। तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, डू सपोर्ट मी, थैंक यू सो मच। बस बाय बाय, आज के व्लॉग के लिए इतना ही था, थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, बूम।